हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हिना एंड यू आर वाचिंग अलोंग विद हिना। आज हमारे किचन में बन रहा है कद्दू चने की दाल, तो आइए उसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप चने की दाल और उसे 4 से 6 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया था और उसके बाद उसे साफ़ करके साइड पर रख लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का लौकी था जिसको मैंने आधा काटा है और मैं आधा ही इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। और उसके बाद इसे पहले छील ले अच्छे से और उसे धोकर तब काटे। हमेशा लौकी को पहले छील ले और तब उसे धो ले, तब उसकी चॉपिंग करें। आप कभी भी इसे चॉप करने के बाद ना धोएं। उसके बाद अगर बीच में आपको लगे कि बीज एक्स्ट्रा हैं तो उसे हटा लें, वरना आप यूँ भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी चॉप कर लिया है, और एक हरी मिर्च ली है और उसे हाफ में कट कर लिया है। एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसे अच्छा सा मिक्स दे दें। यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड किए हैं और उसी के साथ 1 छोटा चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। जब ज़ीरा अच्छे से चटकने लगे तो उसमें वो मसाला ऐड कर दें और उसे तब तक भूनें जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन निकल ना जाए, टमाटर थोड़ा सा गल जाए और आपको तेल ऊपर दिखाई देने लगेगा। अगर नीचे से ये चिपकने लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें, लेकिन इसकी भुनाई अच्छे से करें। उसके बाद इसमें वो कद्दू और दाल ऐड कर दें और इसे अच्छे से भून लें और तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड करें, ताकि इतना पानी ऐड करें कि वो अच्छा सा डूब जाए। अब इसे प्रेशर कुक कर लें और 1 सीटी आने दें आप इसे तेज़ आंच पर, और उसके बाद आंच को मीडियम करते हुए इसे 3 सीटी और लगने दें। अब यहाँ पर दाल अच्छे से गल चुकी है और आप इसका पानी एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी आप इसे पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं। और उसके बाद इसमें सॉल्ट भी टेस्ट कर लें, ताकि अगर ये कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें। मेरे पास भी ये थोड़ा सा कम था तो मैंने 1/2 छोटा चम्मच और ऐड किया है। यहाँ पर 1 बड़े चम्मच घी में तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच चॉप किए हुए प्याज ऐड किए हैं और उसे अच्छा सा लाल कलर आने दिया है। और उसके बाद उसे दाल में ऐड कर दें और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर दें। इसे एक अच्छा सा उबाल आने दें और उसके बाद इसे रोटी या चपाती के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।